चलो, तुम्हारे बाल इन जटाओं जैसे लंबे करवाते हैं। हाँ दीदी। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। बाबा, मुझे अपनी बहन के बाल लंबे कराने हैं। और लंबे? अवश्य अवश्य पुत्री, जो जो चीजें हम बताएंगे उन्हें मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाएंगे। या सच में बाबा? अरे मूर्ख, बाबा पे शक करती है? चुप चुप चुप, बाबा आप बताइए। ओम फट स्वाहा। बाबा क्या फट से होंगे? अरे दोनों मूर्ख हो क्या? ये तो हमारा मंत्र है, सामग्री अभी हम बताते हैं, सुनो अच्छे से। टूटी की बूटी, मंगल ग्रह के पेड़ के पत्ते और नाली का रस, पिलपिली गीली अरबी का बाल और करेले की पूंछ, दो दांत, केले की गुठली, गटर का पानी, सड़े हुए अंडे की खुशबू, बंदर का पिछवाड़ा। बंदर का पिछवाड़ा? पापा क्या वो भी डालना है? अरे नहीं नहीं, बंदर के पिछवाड़े के रंग के समान गुड़हल का फूल। क्या इन सब चीजों से बाल लंबे हो जाएंगे बाबा? हाँ हाँ पुत्री, उसी से लंबे होंगे। क्या बाबा आपके बाल भी ऐसे ही लंबे हुए हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो गंजे हैं। प्रणाम बाबा, प्रणाम। जय हो बाबा की। जय हो बाबा की। ये लो, ले आई। ले आई? पूरा डाल दो। हाँ। कम करने के लिए और नए बालों को उगने में मदद करने के लिए बेजल ऑयल, बालों को हेल्दी रखने के लिए सनफ्लावर ऑयल, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए मुलेठी, स्प्लिट एंड्स और ड्राइनेस से बचने के लिए कोकोनट ऑयल, मजबूती के लिए सेसमे ऑयल, शाइन और थिकनेस के लिए आंवला ऑयल। ठीक है, गूगल पर लिख कर देखती हूँ कि ये सब कहाँ मिलेगा। वहाँ नहीं, यहाँ मिलेगा। ये लो, कपीवा तुलसी एंटी हेयर फॉल ऑयल। इसमें है ये सारे इंग्रेडिएंट्स, वो भी एक साथ। क्या? हाँ, ये तुम्हारे बालों को झड़ने से भी रोकेगा। आओ तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। तुम्हें पता है ये 4000 साल पुराने आयुर्वेदिक प्रोसेस से बना है और इसे यूज करने से हेयर फॉल 25% तक कम हो जाता है। ये हेयर को रीग्रो करने में भी हेल्प करता है। पर ये मार्केट वाले ऑयल से डिफरेंट कैसे हुआ? क्योंकि ये बना है नेचुरल 19 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से, विद नो पैराबेन, सल्फेट और मिनरल ऑयल। तो हुआ ना ये सबसे अलग। वाओ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे थैंक यू दीदी, यू आर द वर्ल्ड बेस्टेस्ट दीदी एवर। Done. Let's take selfie. Sure.
#sisterlove. पैसे गिन रही हो? कहाँ हम हम कह रहे थे पूनम की शादी है, उसमें नया लहंगा सिला लेती तो? लहंगा क्यों? अरे सब आते बोलते कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी अच्छी लग रही हो तुम. मैं तो सही रही हूँ दीदी. कपड़ा खरीद लाओ, सिलाम देंगे. एकदम फिटिंग का सिलोगी? चुस्त एकदम. और का, फिटिंग का ही आता है हमको सिलना, ढीला मिला नहीं सिलते हम. चलो फिर बाजार चलते हैं. चलो चलो. ये बहन जी क्या दिखाऊं आपको? भैया हमारी बहन को शादी में जाना है, लहंगे के लिए कपड़ा दिखा दीजिए. अच्छा शादी में जाना है, इसके लिए तो लाल रंग जचेगा, एकदम लाल रंग. लाल रंग तो हम पे बहुत जचेगा, दुल्हन को टक्कर देंगे, दुल्हन को. दिखाइए. अभी दिखा दो. ये देखिए. ठीक है भैया, यही वाला दे दीजिए. फिटिंग का सिलवाऊंगी. भैया 2 मीटर ज्यादा देना. ज्यादा क्यों? घेरे वाला बनवाएंगे ना, घेरे वाला. फिटिंग का घेरे वाला. हाँ फिटिंग का ही सिलवाएंगे. दे दो भैया, दे दो. लीजिए. ये ले लो भैया. अरे ये भी ले लो. धन्यवाद. बंगले के पीछे तेरी, बेरी के नीचे. अहरे पिया, अहरे 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 अहा. क्या लगा. दीदी फिटिंग का सिल रही हो ना? हाँ एकदम फिटिंग का सिलेंगे. जल्दी जल्दी सिलना. हाँ सिल गया क्या? सिल रहा है. अच्छी फिटिंग करना. बस सिल ही रहा है. फिटिंग का करना. हाँ फिटिंग का सिएंगे. छोटी सिल गया. क्यों 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 सिल गया? हाँ ये लो. अभी पहन कर आते हैं. मुंडी की लाश. हाँ मैं दीदी. ये कहाँ सिल दियो इतना लंबा तंबू जैसा? वो कपड़ा इतना सारा था तो हमने सोचा सिल दो. एक एक पैसा जोड़ के खरीदे थे हमी, और तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों सिल दी? क्योंकि हमें ना लंबे चौड़े. क्या मतलब? कोई नहीं ऐसे ही पहन लेना, लोग कहेंगे बिना फिटिंग का पहन लिया, लग रहा दीदी का है. अब इतना गंदा हम कैसे पहनेंगे बताओ? हम वही पहनेंगे जो अम्मा लेकर आई थी हमारे लिए, तुम ही पहनो. ही ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो जाओ उतार के लाओ, हम ही पहनेंगे. हमारा सी कली का लहंगा रे जू मेरी आरे.
आज तो मेरी ब्यूटी रिलैक्स हो गई। व्हाट अ रिलीफ। ए चिमकली, मेरा टर्न है, उठो। नहीं उठ रही मैं, जा जो करना है कर ले। उठ इन योर ड्रीम्स, जो करने कर लूं। किसी का नया चोर। मैंने तो 3 दिन से नहाया नहीं है और अंडर आर्म्स के बाल भी शेव नहीं किए, पसीना आ रहा है। बताती हूँ, तेरी अलमारी के साथ ऐसा करूंगी ना कि तुझे पता चलेगा। अलमारी के साथ? Yeah. अरे अलमारी के साथ क्या करेगी, जो करना कर ले। ओह माय गॉड, देखो तो किसके नए नए कपड़े हैं। मैंने तो 10 दिनों से नहाया भी नहीं है। Oh my God, ew! तू तो मेरी पूरी अलमारी पहन के आ गई। और तो और मुझे पीरियड्स भी हो रहे हैं। ₹10, ₹20, ₹30। दीदी हाँ? वो हम कह रहे थे कि हमें जरा बूशर्ट दिलवा देती। अच्छा, इसमें हमारा क्या फायदा? तुम ऊपर से 20% ब्याज ले लेना ना। अच्छा, उधार चाहिए? हाँ दीदी, उधार दे दो ना। ठीक है, कितना चाहिए? 10, 20, 30। दीदी 100-200 में हो जाएगा। 100-200? उसके लिए तो हमें अपनी गुल्लक तोड़ना पड़ेगी। फोड़ दो फोड़ दो, 20% ब्याज भी तो मिल रहा है। ठीक है। चालीस, 50, 60, 70 और कुल मिला के हो गए 100। चलो चलो। भैया ये बूशर्ट दिखा दो, स्कूल वाली। अभी दिखाते हैं बहन जी, रुको। कपड़ा तो ठीक है, कितने की है? पूरे 200 रुपए लेंगे, 200। अरे भैया 20 में देना है तो बोलो। अरे गरीब लोग कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठा के। ए सुशीला, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी अम्मा वहाँ इंतजार कर रही हैं। अरे तुम चुप रहो दीदी। दीदी अरे जान ना पहचान, अभी रिश्तेदारी निकाल रही है। भैया बताओ। पूरे 100 रुपए लेंगे, 100 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। भैया चलो ना, आपकी ना हमारी, 25 रुपए की करो आप बात। लो बोनी का टाइम ना होता तो देता नहीं इसको। पैसे? हाँ भैया 10 रुपीज कम कर दो। भैया कम करो, अच्छे से कम करो।
अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, चलो आपके लिए 400 का दे देता हूँ, ठीक है? मान तो गया ना बेचारा, कैसे करेगा? दीट्स लेट्स बाय। चुप। 300, न तुम्हारी न मेरी, 1 रुपए 300 से ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है मैडम, ले लो 300 ही दे दो। चलो मान गया मान गया मान गया। ओह माय गॉड भैया दे दो। अरे मैडम खुले नहीं है हमारे पास, एक तो सुबह से बिक्री नहीं हुई। अरे क्या बात कर रहे हो, छुट्टी निकालो, हमारे 200 रुपए निकालो ना। भैया कोई बात नहीं, कीप द चेंज। अरे क्या कर रहे हो, छुट्टी दो यार, छुट्टी दो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा सीक्वेंस सबसे ज्यादा प्यारा लगा। कपीवा तुलसी एंटी हेयर फॉल ऑयल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।